वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप यहां पे आए हुए सभी बहनों भाइयों माताओं बुजुर्गों आप लोग इतनी देर से आए हुए हैं, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने इसलिए खड़े हैं, ये आम आदमी पार्टी इसलिए खड़ी है। मैं हमेशा कहता हूं, हम लोग कोई नेता नहीं है। दो साल पहले, तीन साल पहले तक हम कभी चुनाव नहीं लड़े थे, एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे थे, आप ही लोगों में से हम लोग। लेकिन जब देखा कि इस देश के अंदर इन सारी पार्टियों ने मिलकर लूट लिया देश को, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, इन सारी पार्टियों ने आपस में सेटिंग कर रखी है, पांच साल तुम सरकार चलाओ, पांच साल हम सरकार चलाएंगे, पांच साल तुम देश को लूटना, फिर पांच साल हम देश को लूटेंगे, जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे, जब तुम्हारी बारी आए तुम हमारे खिलाफ कोई केस मत करना। और जनता पिसती रहती है, जनता बेवकूफ बनती रहती है। अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया, उन्होंने अनशन रखा, मैंने दो बार अनशन रखा, एक बार 10 दिन का अनशन रखा, एक बार 15 दिन का अनशन रखा। मैंने 15 दिन भूखे रहा था, मैं शुगर का मरीज हूं, डॉक्टरों ने कहा था 48 घंटे से ज्यादा अगर ये भूखा रहा तो जिंदा नहीं बचेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे हम लोग, 15 दिन में भूखे रहा, ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले के रब की कृपा है कि आज मैं जिंदा खड़ा हूं आप लोगों के सामने। लेकिन देखा कि जब ये लोग नहीं मानने वाले तो आम आदमी पार्टी बनाई। जब आम आदमी पार्टी बनाई थी, ये मीडिया वाले, विपक्षी दल वाले सारे बोले इनकी सबकी जमानत जब्त होगी। हमारे पास ना पैसा था ना आदमी था, कभी चुनाव लड़े नहीं थे हम लोग। ये जितने लोग बैठे हैं आज स्टेज पे, कोई नेता नहीं है जी, हम सारे आम लोग हैं। आम आदमी पार्टी बनी, 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की 70 में से 67 सीट, 67 सीट आ गई है, 70 में से 67 सीट। मैं हमेशा कहता हूं ये इंसानी काम नहीं हो सकता, 70 में से 67 सीट पूरी दुनिया के इतिहास में आज तक कभी नहीं आई, पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट आई। ये कुछ ना कुछ ऊपर वाले का करिश्मा है, रब का करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है। पिछले 1.5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर जितनी जनता ने विश्वास किया था पूरी ईमानदारी के साथ सरकार चला रहे हैं। इतने काम किए दिल्ली में, इतने काम किए दिल्ली के अंदर, आपके भी दोस्त रहते होंगे दिल्ली में, उनसे पता चलता रहता होगा आप लोगों को। सबसे बड़ा काम दिल्ली में किया, भ्रष्टाचार कम करके दिखा दिया, भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा दिया। दोस्तों, आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक फ्लाईओवर बना, 325 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था, 325 करोड़ का, 200 करोड़ रुपए के अंदर पूरा करके दिखा दिया। कभी सुना है पंजाब के अंदर 300 करोड़ का फ्लाईओवर बनना हो तो बनते 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 15 साल लग जाते हैं, और 300 करोड़ का फ्लाईओवर बादलों की सरकार में 3000 करोड़ का पूरा होता है, सारा पैसा खा जाते हैं। पहली बार हुआ 325 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर 200 करोड़ रुपए के अंदर पूरा करके दिखा दिया। इस तरह से 5 फ्लाईओवर बनाए
पिछले 1.5 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, एक चीज धीरे धीरे समझ में आने लगी। कई लोग मेरे से पूछते हैं ये पंजाब में सरकार बनेगी पैसा कहां से आएगा, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करके हर सरकारी काम में इतना पैसा बचा रहे हैं हम लोग। एक चीज सीखा हूं मैं, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अभी तक बुरी नीयत वाली सरकार आती थी, अब दिल्ली के अंदर अच्छी नीयत वाली सरकार आई है, सारे काम हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मोहल्ला क्लिनिक मतलब झुग्गी बस्तियों के अंदर एक एयर कंडीशन क्लिनिक बनाया, एयर कंडीशन बनने का, उसमें सारी दवाइयां मुफ्त हैं, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, डॉक्टर मुफ्त हैं। हजार 1500 रुपए के टेस्ट होते हैं वो सारे मुफ्त हैं। 106 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए एक साल में और 31 मार्च तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली के अंदर बन के तैयार हो जाएंगे। 1000 पंजाब के अंदर सरकार बनेगी, यही काम करेंगे। हर पिंड के अंदर, हर पिंड में एक एक पिंड क्लिनिक बनाएंगे, जैसे दिल्ली में बनाया एयर कंडीशन क्लिनिक बनेगा हर पिंड में, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री, आपके गांव के अंदर आपको सबसे अच्छी मेडिकल सुविधा दी जाएगी। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। बड़े बड़े ऑपरेशन भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पूरे मुफ्त होते हैं। बड़ा दुख होता है यहाँ पे कि कैंसर के मरीज पंजाब के अंदर, उनको अपना इलाज कराने के लिए बीकानेर जाना पड़ता है। पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितने भी कैंसर के अस्पताल खोलने पड़ेंगे पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों को कैंसर का इलाज कराने के लिए बीकानेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब के अंदर इलाज होगा और मुफ्त में इलाज होगा और सबसे अच्छा इलाज होगा। सरकारी स्कूल, एक गरीब आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की बहुत ही बुरी हालत थी, कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था। आज 1.5 साल के बाद अगली बार जब दिल्ली जाओ तो किसी सरकारी स्कूल में जाना, सरकारी स्कूलों की इतनी अच्छी हालत कर दी है कि अब जो नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं दिल्ली में, उनमें स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनते हैं, लिफ्टें लगती हैं? लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं आजकल, और सारी शिक्षा मुफ्त है, स्कूल मुफ्त है। जितने प्राइवेट स्कूल थे दोस्तों, प्राइवेट स्कूल यहाँ पे पंजाब में भी उन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। मैंने सुना हर साल प्राइवेट स्कूल वाले अपनी फीस बढ़ा देते हैं, मनमानी फीस बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? हर साल फीस बढ़ा देते हैं। माँ बाप बेचारे क्या करें, अपने बच्चे को तो पढ़ाना है। दिल्ली के अंदर हमने इस पे रोक लगा दी, ऑर्डर पास कर दिए। पिछले 2 साल से दिल्ली के अंदर एक भी प्राइवेट स्कूल ने एक पैसे की फीस नहीं बढ़ाई है। 2-4 स्कूलों ने फीस बढ़ाई, हमने ऑर्डर पास करके उनकी फीस कम करवाई और उनके बच्चों के माँ बाप को सारी फीस हम लोगों ने रिफंड करवाई है। आज तक कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि बच्चों की फीस वापस मिलती हो। दिल्ली के अंदर कई स्कूलों में हमने फीस वापस करवाई है दोस्तों। पिछले साल दिल्ली में बेमौसम बारिश आ गई, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। किसान आए मेरे पास, बोले जी हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं उनके साथ गया, कई गांव का दौरा किया और देखा कि उनकी फसलें सारी बर्बाद हो गई थी। हमने उनको 20,000 रुपए प्रति किले के हिसाब से मुआवजा दिया था। आजाद भारत का सबसे ज्यादा मुआवजा हम लोगों ने दिया, 20,000 रुपए किले के हिसाब से, और 3 महीने में सबका मुआवजा दिलवा दिया हम लोगों ने। कभी इतना मुआवजा आज तक भारत के इतिहास में नहीं मिला।
खूब काम किए हम लोगों ने, खूब काम किए। अब अपने को सबको मिलकर पंजाब बदलना है। पंजाब के अंदर कैप्टन ने और बादलों ने दोनों ने रल मिल के 15 साल के अंदर पंजाब बर्बाद कर दिया। पहले कैप्टन की सरकार थी, फिर बादलों की सरकार आई, पहले कैप्टन ने पंजाब को लूटा, फिर बादलों ने पंजाब को लूटा। ना कैप्टन ने बादलों का कुछ किया, ना बादलों ने कैप्टन का कुछ किया। 2002 में कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री बने। मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कैप्टन के परिवार वालों के स्विस बैंक में अकाउंट है। स्विस बैंक में अकाउंट किसके होते हैं? जिसके पास काला धन होता है, जिसके पास 2 नंबर के पैसे होते हैं, उनके स्विस बैंकों में अकाउंट होते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जरा हाथ खड़ा करके बताओ किस किस का स्विस बैंक में अकाउंट है। किसी का नहीं है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि भारत में अकाउंट खुलवा लें, स्विस बैंक में अकाउंट कहां से खुलेंगे। कैप्टन के परिवार के, कैप्टन की पत्नी के, कैप्टन के बेटे के स्विस बैंकों में अकाउंट है। तो कल मैं किसी को दिखा रहा था उनके अकाउंट, तो वो कहता है जी कैप्टन तो राजा महाराजा है, उनके पास तो बहुत पैसा है, उनको तो अकाउंट है, तो क्या गड़बड़ है। तो दूसरे आदमी ने बताया 2002 में जब कैप्टन मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले उनका दिवालिया निकल चुका था। कैप्टन के पास अपने घर की पुताई कराने के पैसे नहीं थे, कैप्टन की पुर्की होने वाली थी, सारा पैसा खत्म हो गया था कैप्टन का। 2002 में कैप्टन मुख्यमंत्री बने और 3 साल के अंदर 2005 में कैप्टन की बीवी ने और कैप्टन के बेटे ने स्विस बैंकों के अंदर अकाउंट खुलवा लिया। कहां से आया ये सारा पैसा कैप्टन के पास? 3 साल के अंदर कहां से आया इतना पैसा? ये सारा पंजाब का पैसा था, ये सारा पंजाबियों का पैसा था, या आपका पैसा था। आज मैं कैप्टन के अकाउंट नंबर लेके आया हूं स्विस बैंकों के। सुनोगे आप लोग, सारे जने नोट कर लेना अपने अपने मोबाइल फोन में। परनीत कौर, कौन है परनीत कौर? कैप्टन साहब की धर्मपत्नी है। परनीत कौर ने 26 जुलाई 2005 को स्विस बैंकों में अकाउंट खुलवाया। उनका अकाउंट नंबर है 5090184485। दोबारा नोट कर लो, परनीत कौर का अकाउंट नंबर है 5090184485। रणिंदर सिंह कैप्टन साहब का बेटा, उन्होंने 26 जुलाई 2005 को स्विस बैंकों में अकाउंट खुलवाया। उनका अकाउंट नंबर है 5090184484। और इन दोनों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है 5090284483। इनके पास पैसा कहां से आया? मैंने इनका अकाउंट भी देखा है, इस अकाउंट में हर महीने पैसा जमा हो रहा है, हर महीने पैसा जमा हो रहा है। इसका मतलब कैप्टन साहब पंजाब लूटते थे और अपने बीवी और अपने बेटे के अकाउंट में स्विस बैंकों में पैसा जमा करा देते थे। 5 साल कैप्टन साहब ने पंजाब को लूटा, उसके बाद बादलों की बारी आ गई। 10 साल से बादल लूट रहे हैं, बादलों ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रेता बजरी लूट लिया, बसों के परमिट लूट लिए, घर घर में नशा करा दिया, हर परिवार को बर्बाद कर दिया, कई लोगों ने खुदकुशी कर ली। भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा जितने पाप इन लोगों ने पिछले 10-15 साल के अंदर किए हैं। दोस्तों हर चीज लूट ली, केबल इंडस्ट्री लूट ली, होटल लूट लिए, सड़कें लूट ली इन लोगों ने, हर चीज लूट ली।
पंजाब को चूस लिया बादलों ने पिछले 10 साल के अंदर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कैप्टन ने इतना लूटा था, 10 साल से बादलों की सरकार है, बादलों ने कैप्टन के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी 1 महीने पहले जितने मामले चल रहे थे कैप्टन के खिलाफ, सारे केस बादलों ने वापस ले लिए, सारे केस बंद कर दिए कैप्टन के खिलाफ जितने केस चल रहे थे। हमारे बच्चों के खिलाफ इतने फर्जी पर्चे कर रखे हैं, हमारे लड़कों के खिलाफ इतने फर्जी पर्चे कर रखे हैं बादलों ने, वो पर्चे वापस नहीं किए, वो केस बंद नहीं किए। कैप्टन के खिलाफ जितने पर्चे कर रखे थे सारे वापस ले लिए बादलों ने। क्या रिश्ता है जी कैप्टन का और बादलों का? कुछ तो रिश्ता है दोनों के बीच में। 2 साल पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मजीठिया पंजाब में नशा बांट रहा था, कांग्रेस की सरकार ने मजीठिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। केंद्र के अंदर 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई से अंदर करवा लेते मजीठिया को, ईडी से अंदर करवा लेते मजीठिया को, क्यों नहीं एक्शन लिया कांग्रेस वालों ने मजीठिया के खिलाफ? कांग्रेस मजीठिया को बचाती है और बादल कैप्टन को बचाते हैं, दोनों के अंदर बड़ी अच्छी दोस्ती है और इस बार ये दोनों मिलके रल मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पता चला है कि बादल कैप्टन के होर्डिंग लगवा रहे हैं चारों तरफ, जो पैसा नशे में कमाया बादलों ने वो सारा नशे का पैसा आजकल कैप्टन पे होर्डिंग लगवाने में जा रहा है। मैं भी आ रहा था, एक जगह मेरे को कांग्रेस वाले काला झंडा दिखा रहे थे, दूसरी जगह बादल वाले काला झंडा दिखा रहे थे, ये दोनों मिलके मेरे को ही काले झंडे दिखाते हैं। बादलों ने कभी कैप्टन को काला झंडा नहीं दिखाया, कांग्रेस वालों ने कभी बादलों को काला झंडा नहीं दिखाया। इन दोनों के दुश्मन हम हैं, क्योंकि इनको पता है अगर हमारी सरकार आ गई तो ये दोनों पार्टी के नेता जेल जाएंगे। अभी 3 महीने पहले मैंने एक सभा में बोल दिया था कि मजीठिया नशे का धंधा करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैंने क्या गलत बोला? मजीठिया नशे का धंधा करता है कि नहीं करता? मजीठिया नशे का धंधा करता है कि नहीं करता? मजीठिया ने मेरे खिलाफ पर्चा कर दिया, मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ पर्चा कर दिया। मजीठिया को लगा हम इसके पर्चे से डर जाएंगे। मैं मजीठिया को कहना चाहता हूँ, मजीठिया तेरे पर्चे को फाड़ के फेंकते, हम कोई नहीं डरने वाले तेरे पर्चे से। मैंने कहा था 4 महीने पहले, मजीठिया तूने पंजाब को बर्बाद कर दिया, हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया, हमारे लड़कों को बर्बाद कर दिया, पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया। 6 महीने बचे हैं मजीठिया, या तो 6 महीने में तू मेरे को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 6 महीने बाद मैं तेरे को गिरफ्तार करूंगा। और आज मैं कह रहा हूं, 2 ही महीने बचे हैं जी मजीठिया के पास, 2 महीने बचे हैं, या तो 2 महीने में मजीठिया मेरे को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 2 महीने के बाद मजीठिया का और बादलों का काल आने वाला है। मोदी जी कह रहे हैं काला धन निकालेंगे, काला धन निकालेंगे। अरे मोदी जी, आज बादलों का भी काला धन बता दिया हम लोगों ने, कैप्टन का भी काला धन बता दिया। हिम्मत है तो कैप्टन को पकड़ के दिखाओ, बादलों को पकड़ के दिखाओ। मोदी जी किसी को नहीं पकड़ने वाले, किसानों को लाइन में लगा रखा है बैंकों के सामने नरेंद्र मोदी जी ने। 2 महीने के अंदर या तो मोदी जी कैप्टन का और बादलों का काला धन निकाल लेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, आप बादलों का काला धन निकालना शुरू करो, सारे पंजाब के लोग अपना अपना फावड़ा कच्ची लेके आ जाएंगे बादलों का काला धन निकालने के लिए। आप शुरू तो करो, हम चलेंगे आपके साथ काला धन निकालने के लिए। लेकिन अगर 2 महीने के अंदर मोदी जी ने बादलों का काला धन नहीं निकाला, तो 2 महीने के बाद आम आदमी पार्टी बादलों का और कैप्टन का काला धन निकालेगी और पंजाब के अंदर उससे अस्पताल बनवाएंगे, उससे सड़कें बनवाएंगे, उससे बिजली पानी देंगे। ये दोनों मिले हुए, दोनों रल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों।
अब अपने को पंजाब नया पंजाब बनाना है। सारे लोग मान रहे हैं 117 में से कम 110 सीट आनी चाहिए। 70 में से 60 सीट आई थी दिल्ली के अंदर। पंजाब पीछे नहीं रहेगा। पंजाब में भी 117 में से 110 सीट आनी चाहिए, उसके बाद एक नए पंजाब का नक्शा बनेगा। पिछले एक साल से मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग पंजाब के लिए पूरा नक्शा तैयार कर रहे हैं। जब सरकार बनेगी सबसे पहला काम नशा दूर करना है। सबसे पहला काम नशा दूर करना है। कैसे नशा दूर होएगा? हम लोगों ने बैठ के पूरा प्लान बनाया है। रात रात भर बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात करके हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया है। एक महीने के अंदर पंजाब में नशे की सप्लाई बंद कर देंगे, और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि कैप्टन और मजीठिया दोनों मिले हुए हैं। इनके पास चाहे कैप्टन की सरकार बने चाहे बादलों की सरकार बने, ये नशा बंद नहीं करने वाले। और इसमें बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं जो नशे का धंधा कर रहे हैं। केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है जो इन सबको जेल में डाल सकती है और एक महीने के अंदर पंजाब में नशा बंद कर सकती है। नशा बंद करने के बाद अपने जो लड़के हैं जो नशे में पड़े हुए हैं वो बेचारे मरीज हो गए हैं। उनको रोज रात को इंजेक्शन चाहिए लगाने के लिए। अगर उनको इंजेक्शन ना मिले तो उनका शरीर कांपने लग जाता है। इन सबका इलाज करवाना पड़ेगा। तो अगले 6 महीने में सरकार बनने के बाद 6 महीने में युद्ध स्तर के ऊपर पूरे पंजाब में छोटे छोटे क्लिनिक खोलेंगे चारों तरफ। बाहर से डॉक्टरों को बुलाएंगे और 6 महीने के अंदर अपने जितने लड़के नशे में डूबे हुए हैं सबका इलाज करवा के सबको ठीक करवाएंगे, नशे से बाहर निकालेंगे। बादलों ने हमारे लड़कों के ऊपर फर्जी पर्चे कर रखे हैं। जो नशे का धंधा करते हैं उन पर पर्चे नहीं करते, जो बेचारे नशे के मरीज हैं उनके ऊपर पर्चा करते हैं। ये सारे पर्चे वापस लिए जाएंगे और अपने लड़कों को जेल से बाहर निकाला जाएगा। आज पूरे पंजाब के अंदर इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। बादलों ने रेती बजने के जितने ठेके कांग्रेस और बादलों ने ले रखे हैं वो सारे ठेके कैंसिल करके आप सब लोगों में बांटे जाएंगे, युवाओं में बांटे जाएंगे, बेरोजगार लड़कों को रेती बजने के ठेके दिए जाएंगे। जितने बसों के परमिट बादलों ने ले रखे हैं, इनके रिश्तेदारों ने ले रखे हैं, सारे परमिट कैंसिल करके अपने युवाओं में बांटे जाएंगे, जनता में बांटे जाएंगे सारे ठेके। कैप्टन कहता है मैं स्मार्टफोन दूंगा, 50 लाख स्मार्टफोन दूंगा। मैं कहना चाहता हूं पंजाबियों को रिश्वत देने की कोशिश मत करो कैप्टन। एक बार स्मार्टफोन देने से क्या होगा? वैसे भी कैप्टन का और मजीठिया का जॉइंट धंधा है। वो कह रहे थे कैप्टन स्मार्टफोन देगा, उसके साथ मजीठिया 1 साल के लिए फ्री में नशा लेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हम लोगों को रोजगार देंगे, हम लोगों को नौकरी देंगे, और कैप्टन जिस लड़के को नौकरी मिलेगी वो तेरे जैसे 100 स्मार्टफोन खरीद लेगा 1 साल के अंदर। तेरे स्मार्टफोन तेरे पास रख, तेरे स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है हम लोगों को। जितने दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, कई जगह गया मैं, भोर गया, इधर उधर गया, पता चला दलितों के कहीं हाथ काट दिए, पैर काट दिए, और किसी को जेल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े अकाली दल के नेता थे। हम लोग SIT बनाएंगे और 10 साल के अंदर जितने भी दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं उन सब की जांच करा के चाहे कितना भी बड़ा नेता हो उनको न्याय दिलवाया जाएगा, और इन नेताओं को जेल भेजा जाएगा, दलितों को न्याय दिलवाया जाएगा। तो बहुत सारे काम करने हैं। किसानों के ऊपर इतने कर्ज हो गए हैं, कर्ज के अंदर किसान डूब रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार बनने के 1.5 से 2 साल के अंदर
किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, पंजाब के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा। दोस्तों अपने को सबको मिलकर काम करना है, सबको मिलकर पंजाब को सुधारना है। कुछ लोग कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है, रोज मोदी से लड़ता रहता है, अगर पंजाब में इनकी सरकार बनी तो जैसे मोदी जी दिल्ली में काम नहीं करने देते, पंजाब को भी तकलीफ होगी, पंजाब को इसका नुकसान होएगा। मैं कहना चाहता हूं, पहली बात तो दिल्ली और पंजाब में फर्क है, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, पंजाब पूरा राज्य है। पंजाब के अंदर केंद्र सरकार की बिल्कुल नहीं चलती। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 साल हो गए मोदी जी की सरकार बने हुए, 2 साल में बादलों ने मोदी जी की चमची मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, रोज मोदी जी के पैरों में जाके पड़े रहते हैं बादल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 साल में मोदी जी की चमची मार मार के बादल एक नया पैसा मोदी जी से पंजाब के लिए लाए हो तो बता दो, एक नया पैसा लाए हो? कुछ नहीं लेके आए मोदी जी ने, कुछ नहीं दिया बादलों को पंजाब के लिए, मोदी जी ने एक नया पैसा नहीं दिया 2 साल के अंदर। अगर सरकार बनने के बाद पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए मोदी जी के पैरों में पड़ना पड़ा, हम मोदी जी के पैरों में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर पैरों में पड़ने से काम नहीं चला तो हमें मोदी जी से लड़ना भी आता है, लड़ के अपना हक ले लेंगे। दोस्तों मोदी जी को जाके कहेंगे साडा हक मोदी जी से छीन के लेना भी आता है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी, आज 1.5 साल के बाद पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। कैसे? मोदी जी करने ही ले रहे, लड़ लड़के मोदी जी से लड़ के दिल्ली में बिजली सबसे सस्ती करा ली हम लोगों ने। तो हमको लड़ना भी आता है, हमको चमची मारनी भी आती है, पैरों में गिरना भी आता है, और अगर नहीं मानेंगे तो लड़के अपना हक लेना आता है। जैसे दिल्ली में अपना हक लेके दिखाया, ऐसे पंजाब में भी अपना हक लेके दिखाएंगे। ये धर्म युद्ध है, उनके पास सब कुछ है, बादलों के पास, कैप्टन के पास, उनके पास पैसा है, उनके पास तंत्र है पूरा, उनके पास पुलिस है, उनके पास आदमी है, उनके पास सत्ता है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम लोगों के पास पैसा नहीं है, बिल्कुल फक्कड़ है हम लोग। मेरा भी बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का भी बैंक अकाउंट खाली है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास एक ही चीज है, भगवान हमारे साथ है, रब हमारे साथ है, वाहेगुरु हमारे साथ है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हम ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, और इस धर्म युद्ध में हम सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। आज यहां जितने लोग आए हैं, ये चुनाव केजरीवाल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पंजाब के लोगों का चुनाव है, आप लोगों का चुनाव है। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, एक एक आदमी को लड़ना पड़ेगा। आज यहां से जब आप जाएंगे, एक एक आदमी कसम खा के जाएगा, 2 महीने रह गए, 2 महीने के अंदर हर आदमी को, 100-100 लोगों को झाड़ू के ऊपर बटन दबाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। मंजूर है? हाथ खड़े करके बताओ, मंजूर है? सब आज कसम खा के जाएंगे कि 100-100 लोगों को आम आदमी पार्टी को झाड़ू पे बटन दबाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और जब चुनाव आएंगे, अकाली दल वाले आएंगे पैसे लेके, पैसे देंगे आपको, देते कि नहीं देते? पैसे देते ना, मना मत करना, ले लेना, अपना ही पैसा लूट रखा है इन लोगों ने। कांग्रेस वाले भी आएंगे पैसे देने, उनसे भी ले लेना, नहीं आए तो उनके दफ्तर में जाके ले लेना, और नए नोट लेना, पुराने मत लेना, और अगर
3000 रुपए दे तो बोलना जी महंगाई होगी, इस बार 5000 लगेंगे। अकाली दल से भी ले लेना, कांग्रेस से भी पैसे ले लेना, बीजेपी वालों से भी पैसे ले लेना, लेकिन बटन आम आदमी पार्टी का दबेगा। पैसे सारी पार्टियों से देंगे लेकिन मोहर आम आदमी पार्टी पे लगेगी। इस बार धोखा देंगे अपने लोगों को, 15 साल से ये लोग हमें धोखा देते आए हैं, इस बार हम लोग इनको धोखा देंगे। पैसे सब लोगों से लेंगे लेकिन बटन आम आदमी पार्टी के ऊपर लगेगा, झाड़ू के ऊपर लगेगा। बोल